जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, लीजेंड्स लीग T20 चल रहा है जो कि एशिया लॉयंस बनाम वर्ल्ड चैंपियंस के लॉयंस के बीच मैच होने वाला है। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 8 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों एशिया लॉयंस से टी दिलशान, यूपुल थरंगा, असगर अफगान, मिसबा उलक, शाहिद अफरीदी जो कि दोस्तों कप्तान है एशिया लॉयंस के, तिसारा परेरा, अब्दुल रजाक, पारस कादला, सोहेब तनवीर, ईशरू दाना, अब्दुल रजक। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि एशिया लॉयंस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स वर्ल्ड जेंट्स प्लेइंग 11 की। तो एरन फिंच जो कि दोस्तों कप्तान है वर्ल्ड जेंट्स के, क्रिस गेल, शेन वाटसन, जैक वैकेलिस, रॉस टेलर, केविन ओबरिन, मोरेन वन बिंग, तिनो वेस्ट, क्रिस मफुगो, ब्रेट ली, मोंटी पंसर। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि वर्ल्ड जेंट्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट प्रेजेंट बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों आपको बता दूँ ये मुकाबला 13 मार्च सोमवार को रात 8 बजे से वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा कतर में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बता दूँ बैटर्स के लिए ये पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप बैटर सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि पेसर्स को भी हल्की मदद मिलेगी दोस्तों इस पिच पर। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों जो दोहा का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, और 3.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट बात करता हूँ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं, जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया उन्होंने 1 मुकाबला जीता है और जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 140 रहा है और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 134 रहा है। फ्रेंड्स हाईएस्ट टोटल अभी तक का 139 4 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट टोटल 142 4 विकेट के साथ। फ्रेंड्स लोवेस्ट वेंडेड अभी तक का 179 4 विकेट के साथ रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स फ्री गिब्बे की। तो बता दूँ दोस्तों इस मैच में 5,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है, तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का एंड सेकंड रैंक लाते हो आपको 300 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा। फ्रेंड्स तो जल्दी से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों बता दूं आपको एशिया लॉयंस जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में जो सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप एशिया लॉयंस के सबसे ज़्यादा प्लेयर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, जो आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज का टॉस है वो एशिया लॉयंस टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स बात करता हूँ फ्रेंड्स मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो दोस्तों आप सोहेल तनवीर को एज अ स्मॉल लीग में कप्तान बना सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, एंड मिसबा उलक को आप एज अ कैप्टनसी आप ग्रैंड लीग में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स ये दोनों खिलाड़ी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोनों टीमों में हेड टू हेड मुकाबले की। तो दोस्तों दोनों टीमों में कोई भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट एंड हॉट स्टार पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स लाइव स्कोर देखना है तो आप possible11.com पर आप लाइव स्कोर फ्रेंड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ पॉइंट टेबल की। तो बता दूँ दोस्तों एशिया लॉयंस चूँकि एक मुकाबला जीता है और एक ही मुकाबला में इनको जीत मिली है। नेक्स्ट बात करता हूँ वर्ल्ड जेंट्स की, जो कि दोस्तों ये भी एक मुकाबला जीता है और इसको एक जीत मिली है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ फैंटेसी टिप्स की। तो आप टॉप ऑर्डर बैटर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे एंड डेथ ओवर में बॉलर को ज़्यादा मजबूत मिलेगी दोस्तों। ज़्यादातर डेथ ओवर में 16 से 20 ओवर के बीच में मतलब पेसर्स विकेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ विकेट कीपरिंग की। तो आप यूपुल थरंगा को एज अ
बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए विकेट कीपर में। पेसर्स का दोस्तों इस पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि तेज गेंदबाजों को इस पिच पर मदद मिलेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ विनिंग प्रेडिक्शन की, तो एशिया लॉन्स जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है वर्ड्स एंड थीम से, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं, आप एशिया लॉन्स के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी की एशिया लॉन्स के, जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। ती दिलशान, यूपुल थरंगा, असगर अफगान, मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, सोहेल तनवीर, दोस्तों ये कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि एशिया लॉन्स की ओर से हैं, आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ वर्ल्ड जेंट्स के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, तो एरन फिंच, शेन वॉटसन, जैक वेस्कालिस, केविन ओबरिन, तिनो वेस्ट, ब्रैड ली, दोस्तों ये छह मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड जेंट्स की ओर से बन सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ वेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक रहे हैं फ्रेंड्स, ती दिलशान, यूपुल थरंगा, असगर अफगान, मिसबा उल हक एंड शाहिद अफरीदी, दोस्तों ये वेस्ट परफॉर्मर रहे हैं एशिया लॉन्स की ओर से। नेक्स्ट बात करता हूँ वेस्ट परफॉर्मर वर्ल्ड जेंट्स की ओर से, तो फ्रेंड्स एरन फिंच, शेन वॉटसन, केविन ओबरिन, तिनो वेस्ट, क्रिस मोफो, दोस्तों ये वेस्ट परफॉर्मर रहे हैं जो कि वर्ल्ड जेंट्स की ओर से रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो आप एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं ती दिलशान को एंड यूपुल थरंगा को, एज अ वाइस कैप्टन दोस्तों आप इनको ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। एरन फिंच एज अ कैप्टन दोस्तों आप इनको स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी फ्रेंड्स। शेन वॉटसन जो कि दोस्तों आप एज अ वाइस कैप्टन आप इनको अपनी स्मॉल लीग में टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एंड जैक वेस्कालिस जो कि दोस्तों आप इनको एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। नेक्स्ट बात करता हूँ इंजर्ड की, दोनों टीमों में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।